सो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल सरन और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे लोग, आज का सेशन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे अबाउट द टैटू पॉलिसी फॉर एसएसबी इंटरव्यूज। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर कुछ बच्चों ने अपने बॉडी पे परमानेंट टैटूज करवा रखे तो आज हम जानेंगे तो क्या आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए रिकमेंड हो सकते हैं या नहीं। अगर रिकमेंड हो सकते हैं तो हमारे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, उन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे साथ बनी रहिए। सो इसी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये है मेरा टैटू पॉलिसी। ठीक है, ये मेरा टैटू पॉलिसी के बारे में है फॉर द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द एसएसबी इंटरव्यूज। ठीक है, तो ये जो हमारे अब जो पढ़ेंगे सारी डिटेल्स, ये उन पॉलिसीज के बारे में है, टैटू की पॉलिसीज के बारे में, उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए रिकमेंड होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं। ठीक है, जिनकी बॉडी पे एक परमानेंट बॉडी टैटूज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ये टैटू पॉलिसी है, ये टैटू पॉलिसी देखो रिवाइज हो चुकी है रिसेंटली, एंड द न्यू पॉलिसी विल बी इंप्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 11th मई 2015। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये पॉलिसी रिवाइव हुई है और इसमें कुछ नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस डाले गए हैं फ्रॉम 11th मई 2015। ठीक है, और इनके कुछ सेलेंट फीचर्स दे रखे हैं इन दी सक्सेडिंग पैराग्राफ्स। ठीक है, तो देखो पहला है कैंडिडेट्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज। तो पहले मैं ये आप लोगों के लिए पैराग्राफ पढ़ देता हूं, उसके बाद इसका पूरा मतलब अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम ट्राइबल एरियाज एज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर परमानेंट टू हैव परमानेंट टैटूज और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एज पर एग्जिस्टिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सेड विद द सिलेक्शन बोर्ड्स इन एसएसबी on the conditions that the following certificates are submitted by the candidate from the tribal area prior to the commencement of stage 1 or the selection process। चलिए, ये तो था हमारा इसके बारे में। तो अब देख लेते हैं ये हमारा जो पूरा पैराग्राफ था, ये जो पूरा पैराग्राफ था जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, इसका मतलब क्या था। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो एससी एसटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये उन कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों के लिए, इन कम्युनिटीज के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, ये लोगों के बॉडी पे किसी भी पार्ट में अगर परमानेंट टैटू है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं परमानेंट टैटू है, देन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन दिस केस। ठीक है, लिख देता हूं, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती एससी एसटी पीपल के लिए। ठीक है, उनकी बॉडी पे किसी भी पार्ट में किसी भी तरह का टैटू हो, देन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन सच पीपल। ठीक है, प्रोवाइडेड उनको कुछ सर्टिफिकेट सबमिट करने होते हैं एट द टाइम ऑफ एसएसबी इंटरव्यूज। क्या होते हैं वो सर्टिफिकेट्स, क्या क्या लिखा होता है सर्टिफिकेट्स में, क्या क्या पॉइंट्स मेंशन होते हैं, आइए देखते हैं सर्टिफिकेट्स के बारे में। ठीक है, पहला जो सर्टिफिकेट होता है, अगर आप लोग यहां से ध्यान से देखोगे, वो होता है मेरा सेल्फ सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, पहला जो मेरा सर्टिफिकेट है वो है मेरा सेल्फ सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट। सेल्फ सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट का मतलब वो होता है जो एक स्टूडेंट खुद फिल करता है और खुद साइन करता है। ठीक है, सेल्फ सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, एक स्टूडेंट खुद फिल करता है और खुद साइन करता है। तो ये हो गया पहला सर्टिफिकेट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एज पर द अपेंडिक्स ए। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, ये अलग अलग तरीके के फॉर्म होते हैं। ये एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको सारे तरीके के फॉर्म दिखा दूंगा कि अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी के फॉर्म किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें रिटर्न फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि रिटर्न फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है और एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट उसमें कोई मेरे साथ एक फॉर्म अटैच्ड है। ठीक है, मेरे पास कुछ रिटर्न में लिखा हुआ है और उस रिटर्न मटेरियल के एंड में मेरे पास एक फॉर्म अटैच्ड है, तो उसको मैं अपेंडिक्स बोलता हूं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास रिटर्न में एक मटेरियल है। ठीक है, आप देख सकते हो रिटर्न में मटेरियल, और इस सेशन के एंड में इस मटेरियल से अटैच्ड कुछ आप लोगों को फॉर्म दिखाऊंगा जो कि होते हैं अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी। ठीक है, तो पहला सर्टिफिकेट कौन सा हुआ,
वो सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट खुद फिल करता है और खुद ही साइन करता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सर्टिफिकेट होता है वो होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ बिलोंगिंग टू अ ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। तो दूसरा जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है मेरे ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले पीपल के लिए, ठीक है। इस सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है, ये सर्टिफिकेट में जो सिग्नेचर होता है वो या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा, ठीक है, या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होगा या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का होगा, ठीक है। उसमें स्टूडेंट के साइन नहीं होंगे, उसमें जो मेनली साइन होंगे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के होंगे, या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के होंगे या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के होंगे, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है जो कि पॉइंट वन में दे रखा है, तो उस केस में दूसरे केस में जो सिग्नेचर हो सकते हैं, जो उस कम्युनिटी के जो चेयरमैन या सेक्रेटरी रहते हैं, ठीक है, जैसे जो मैं आप लोगों को बताया था कि एससी एसटी जो कम्युनिटीज होती हैं, इन कम्युनिटीज के चेयरमैन या फिर सेक्रेटरी रहते हैं, ठीक है। तो या तो आप लोग ऐसा करिए, या तो उन सेक्रेटरी या फिर उन चेयरमैन के सिग्नेचर करवा लीजिए। अगर उन चेयरमैन सेक्रेटरी के सिग्नेचर नहीं होते तो या तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर करवा लाइए उस फॉर्म में, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को बात आई होप क्लियर होती होगी। तो पहला फॉर्म जो होता है वो होता है मेरा सेल्फ सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सेल्फ सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट जो एक स्टूडेंट खुद फिल करता है, खुद साइन करता है। और दूसरा सर्टिफिकेट होता है जो एक ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करता है, सर्टिफिकेट ऑफ बिलोंगिंग टू अ, जिसको हम बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। आप लोग चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि दूसरे वाले जो केस में मैं बोल सकता हूँ कि सेकेंड पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट में मैं जिस सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और उस कास्ट सर्टिफिकेट में सिग्नेचर किसके होंगे, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, डीसी डीएम या फिर एसडीएम या फिर उस कम्युनिटी या ट्राइबल हेड के जो सेक्रेटरी या फिर हेड रहते हैं या फिर उनके सिग्नेचर हो जाने चाहिए, ओके। आई होप यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। सो इसी के बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, चलो। तो अब तीसरा जो फॉर्म है, तीसरा जो फॉर्म की जो यहाँ पे जो बात हो रही है वो होता है अपेंडिक्स सी, ठीक है। तो अपेंडिक्स सी आप लोगों को कहाँ मिलेगा, जब आप लोग एसएसबी के सेंटर पे पहुंच जाओगे और वहां पे जो ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, वो ऑफिसर्स आप लोगों के फॉर्म वन और फॉर्म टू, जो कि अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया, फॉर्म वन और फॉर्म टू चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के परमानेंट टैटू का खुद इंस्पेक्शन करेंगे, और अगर उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप लोगों को एक फॉर्म देंगे जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स सी, ठीक है। तो अपेंडिक्स सी का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों एसएसबी सेंटर पे मिलेगा, ठीक है। एसएसबी सेंटर पे जो आप लोगों का मेडिकल ऑफिसर रहेगा वो आप लोगों का फॉर्म वन फॉर्म टू देखेगा। फॉर्म वन आप लोगों का सेल्फ, ठीक है, सेल्फ सर्टिफिकेट होता है, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट। फॉर्म टू क्या होगा, आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट। इन दोनों सर्टिफिकेट को चेक करने के बाद वो एक बार खुद से आप लोगों की बॉडी पे परमानेंट टैटू को देखेंगे, और उसके बाद एक फॉर्म देंगे जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स सी। अपेंडिक्स सी में जो आप लोगों को फॉर्म दिखेगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन, वो फॉर्म होगा जो एक ऑफिसर एट द एसएसबी सेंटर जो आप लोगों को देगा, ठीक है। तो यहां तक अभी जो मेरी बात हो रही थी वो हो रही थी टू द पीपल बिलोंगिंग टू द एससी एसटी, ठीक है। आप लोगों के मन में डाउट होगा कि सर इनके अलावा जो स्टूडेंट्स होंगे, इनके अलावा जो अदर कास्ट में बिलोंग करते हैं उनके साथ क्या होगा, तो बेटा अभी हम लोग उन कास्ट के बारे में भी बात करेंगे, अदर कास्ट, ठीक है। अब देखो, ऑल अदर कैंडिडेट्स में जो डू नॉट बिलोंग टू एससी एसटी, ठीक है, एससी एसटी को छोड़ के सारी कास्टों के लिए, कैंडिडेट के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है मेरा, जो परमानेंट बॉडी टैटूज आर परमिटेड ऑन द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स ओनली, ठीक है। तो इस केस में जो आप लोगों को परमानेंट टैटू जो अलाउड होता है वो हर एक बॉडी पार्ट में नहीं होता है, इसके लिए आप लोगों को स्पेसिफिकली बॉडी पार्ट्स डिजाइन करे हुए हैं, ठीक है, डिजाइन करे हुए हैं इंडियन आर्मी द्वारा, कि वहीं पर ही अगर आप लोगों के बॉडी में बॉडी पार्ट्स पे टैटू होगा तो वहीं पे एक्सेप्टेड होगा, और उसके अलावा अगर कहीं और भी टैटू होगा तो आप लोगों का रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों को फॉर्म सबमिट करना होगा वो होगा अपेंडिक्स डी, ठीक है। तो इस केस में जो ऑल अदर कैंडिडेट्स होंगे अदर फ्रॉम एससी एसटी पीपल, इस केस में जो आप लोगों को फॉर्म सबमिट करना होता है वो होता है अपेंडिक्स सी, ठीक है। तो ये एट द एंड ऑफ द सेशन में सारे फॉर्म के बारे में देखेंगे, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट।
लेकिन अभी आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि इफ यू आर द पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू द एससी एसटी पीपल, आप लोगों को परमानेंट बॉडी टैटूज कुछ ही बॉडी पार्ट्स में अलाउड होंगे। अब वो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं आओ देख लेते हैं। तो पॉइंट ए में बोल रहा है इनर फेस ऑफ फोरआर्म, ठीक है, फोरआर्म्स के इनर फेस में ही आप लोगों का परमानेंट बॉडी टैटू अलाउड होगा, दैट इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ द एल्बो टू द रिस्ट ऑफ बोथ द हैंड्स, यानी एरिया बिटवीन 1, 2 and 3 इन द पिक्चर अफेक्ट्स। यानी ये क्या बोल रहा है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब आप लोगों को दे रखा है कि ये जो फोरआर्म का जो इनर फेस है, आप लोग ध्यान से देखते हो ये फोरआर्म का इनर फेस है, अगर इसी केस में आप लोगों का कोई टैटू बना हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम अतुल, तो ही आप लोगों का टैटू एक्सेप्ट किया जाएगा, तो ही आप लोग एसएसबी रिकमेंड होंगे। अगर ये एरिया को छोड़ के अगर किसी और एरिया में आप लोगों का टैटू होता, फॉर एग्जाम्पल 4, 5 इस वाले एरिया में अगर आप लोगों का टैटू होता है, तो आप लोग रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू दी एससी एसटी, जो एससी एसटी को बिलोंग नहीं करते, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, आप लोगों का टैटू है तो आप लोगों का इसी वाले एरिया में टैटू होना चाहिए जो कि फोरआर्म का इनर फेस होता है, इसके अलावा कहीं और टैटू होगा तो आप लोग रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा जो है, दूसरा पॉइंट है मेरा रिवर्स साइड ऑफ द पाम बैक, यानी कि डॉर्सल साइड ऑफ बोथ हैंड्स, एरिया बिटवीन 2 and 3 इन पिक्चर एफेक्ट्स, ठीक है। इसका बोला है कि पाम का अपोजिट साइड, ठीक है, तो इस वाले केस में देखो ये 2 और 3 के बीच का जो एरिया है, अगर यहाँ पे कोई टैटू बना हुआ है तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। पाम के अपोजिट वाले साइड में अगर इस वाले एरिया में अगर आप लोगों का टैटू बना हुआ है तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा और कहीं टैटू है टू द पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू द एससी एसटी, तो आप लोग यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाओ। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप लोगों का टैटू है तो फोरआर्म के इनर फेस में है या फिर आप लोगों के पाम के अपोजिट साइड में। इनके अलावा अगर कहीं और भी टैटू होगा तो आप लोग बच्चा जी रिजेक्ट कर दिए जाओगे। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो उसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ द टैटूज, ठीक है। अगर टैटूज बना भी रखे बॉडी पे तो भैया उन टैटूज का नेचर कैसा है, ठीक है, कौन कौन से टैटू आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे एट दी एसएसबी इंटरव्यू और कौन कौन से टैटू हैं जो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड आप लोगों को याद रहे द पीपल हु बिलोंग टू दी एससी एसटी, उनके परमानेंट टैटू किसी भी तरीके के हो सकते हैं, उनपे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनको बस 2 फॉर्म सबमिट करने होते हैं, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट। पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू दी एससी एसटी उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, उनके बॉडी पार्ट्स में हर जगह परमानेंट टैटूज एक्सेप्ट नहीं किए जाते एट दी एसएसबी सेंटर, और अगर कुछ एरियाज में परमानेंट टैटू एक्सेप्ट होते हैं तो यहाँ आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बात बता दी है कि कहाँ कहाँ आप लोगों के परमानेंट टैटू एक्सेप्ट किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि परमिसिबल टैटू भाई कौन कौन से होंगे, अगर टैटू है भी सही तो कौन कौन से टैटू एक्सेप्ट किए जाएंगे एट दी एसएसबी सेंटर, ठीक है। तो पहली लाइन देखो, पहली लाइन मुझे बोली है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन साइज और द टाइप ऑफ द टैटू हैज बीन स्पेसिफाइड, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि टैटू का कोई साइज या फिर उसका कोई टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिट करेंगे, पीपल हु आइदर बिलोंग टू एससी एसटी, और अगर जो एससी एसटी नहीं है तो या तो उनके फोरआर्म के इनर फेस में होना चाहिए या फिर पाम के अपोजिट साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगी परमिसिबल टैटूज के बारे में। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब मेरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पॉइंट बी है, ये मेरी परमिसिबल टैटूज वाले लिस्ट में ही चल रहा है आगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरी परमिसिबल टैटूज के बारे में ही बात चल रही है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मैंने ऑफिशियल इंडियन मिलिट्री की साइट से डाउनलोड किया गया है, तो आप लोग ये मत बोलिए कि सर ये कहाँ से कहाँ है, ये ऑफिशियल उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया गया बेटा, ठीक है। तो इसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एक्यूरेट डेटा है, इसमें कोई भी आप लोगों को डाउट होने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जो भी मैं डेटा लेके आता हूँ प्रॉपर एकदम एक्यूरेट डेटा लेके आता हूँ फ्रॉम देयर ऑथेंटिक वेबसाइट, ठीक है। तो ओनली स्मॉल इनोक्यूस टैटूज, तो व्हाट डू यू मीन बाय इनोक्यूस, इनोक्यूस मीन विच इज नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव, ठीक है, जो चीज या तो हार्मफुल नहीं हो या फिर ऑफेंसिव नहीं हो। तो ओनली स्मॉल इनोक्यूस टैटूज दैट आर नॉट प्रीजुडिशियल टू गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन्स आप परमिटेड, ठीक है। ऐसे टैटूज, ऐसे इनोक्यूस टैटूज जो कि हार्मफुल नहीं हो
और किसी भी धर्म या जाति के बारे में हमें वो मतलब ज्यादा स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो या फिर उनके बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहे हो, तो वो चीज हमारे स्टेटस में एक्सेप्ट होती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, आप लोग देख सकते हो कि रिलीजियस सिंबल, आप लोगों ने देखा होगा काफी जगह में, काफी एरियाज में बच्चे जब पैदा होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो कि उनके जो कास्ट या फिर गोत्र होते हैं, तो उसका एक टैटू बनवा दिया जाता है हाथ में, उसका छोटा सा साइन या सिंबल बनवा दिया जाता है। आप लोगों ने, काफी लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी, तो वो वाले टैटूज अलाउड होते हैं, या फिर कुछ लोगों ने अपने क्लोज वन या रिलेटिव्स के नाम लिख रखे होते हैं, ठीक है। काफी लोगों ने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के भी नाम लिख रखे होते हैं, तो इस केस में वो चीज भी अलाउड होती है, तो ये चीज आप लोगों को परेशानी होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो होगी मेरे परमिसेबल टैटू की कौन कौन से टैटूज अलाउड होते हैं, तो अब मेरी बात होती है कि मेरे कौन कौन से टैटू अलाउड नहीं है, विच इज द नॉन परमिसेबल टैटूज, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉन परमिसेबल टैटूज फॉर पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू द एससी एसटी, उनको कहा था सिर्फ फोरआर्म्स के इनर फेस में, ठीक है, फोरआर्म्स के इनर फेस में, और एक चीज और थी पाम के अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, ठीक है। इन्हीं दो जगह पे आप लोगों का परमानेंट टैटूज हो सकता है, इसके अलावा और कहीं परमानेंट टैटूज है तो आप लोग रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। क्या ये बात समझ में आती है? देखो, पहला पॉइंट में ये लिखा है टैटूज और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, एनी अदर पार्ट मतलब जो पार्ट्स उन लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन रखे हैं, जैसे कि फोरआर्म्स और पाम्स, इसके अलावा कहीं और भी टैटू मिलेगा तो आप लोग रिजेक्ट कर दी जाओगे। पॉइंट बी देखो, अ टैटू विद लूड और ऑफेंसिव कंटेंट और इनडिसेंट फिगर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको प्रोनाउंस करते हैं लूड से, ठीक है। अ टैटू विद लूड और ऑफेंसिव कंटेंट, यही कि मतलब किसी जाति धर्म के बारे में नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हो, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हो वो टैटू, तो ये वो टैटू भी अलाउड नहीं होते, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मेरा टैटूज दैट आर इनडिसेंट, ठीक है, टैटूज दैट आर इनडिसेंट, सेक्सिस्ट और रेसिस्ट, ठीक है। एक्सप्लेन एज फॉलोज, तो कुछ टैटूज ऐसे होते हैं जो काफी मतलब अजीब अजीब बॉडी पार्ट्स में बना लिए जाते हैं, तो वो भी टैटू अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। और रेसिस्ट, ठीक है, जो रेसिस्ट काले गोरों में जो फर्क बताए जो टैटूज, वो भी अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। इनको डिटेल में जानना होगा तो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, बट अभी के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन आप लोग के काफी है, ठीक है। तो इसमें तीन कैटेगरीज होती है, इनडिसेंट टैटूज, उसके बाद होते हैं सेक्सिस्ट टैटूज, और एक होते हैं रेसिस्ट, ठीक है। इनडिसेंट जो भी अप्रोप्रिएट नहीं हो, काफी बहुत अजीब लगे देखने में, सेक्सिस्ट टैटूज जो आप लोग वल्गैरिटी दिखाएं, ठीक है, और वो काफी ऑफेंसिव हो टू द कल्चर, टू द कम्युनिटी, और तीसरा है रेसिस्ट टैटूज जो कि काले गोरों में डिफ्रेंशिएट करें या किसी धर्म जाति को डिफ्रेंशिएट करें, तो वो टैटूज भी अलाउड नहीं होते हैं। सो आई होप आपको ये सेशन मजा आ रहा होगा, काफी नई चीज आप लोगों को आज सीखने को मिल रही होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज से पहले आप लोगों ने इस बारे में कभी सोचा भी होगा, सुना भी होगा कि टैटू से रिलेटेड भी एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे, जहां पे कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रखे हैं अगर आपकी बॉडी पे कोई परमानेंट टैटू है, ओके। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, पॉइंट नंबर एट देखो, कैंडिडेट्स जिनके ऊपर नॉन परमिसेबल टैटूज हैं, अभी पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को नॉन परमिसेबल टैटूज की कैटेगरीज बता दी थी, अब वो जब रिजेक्ट होंगे तो वो देखो कहां का रिजेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि जब मान लो आप लोगों ने अपने फोरआर्म्स पे नहीं, मान लो कि आप लोगों ने अपने बाइसेप्स पे कोई इनडिसेंट टैटू बना रखा है, ठीक है, और वो आप लोगों ने फिर कवर कर लिया स्टेज वन में, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग स्टेज वन में छुपा के चले गए तो आप लोग आगे इन सिलेक्शन स्टेजेस में कभी रिजेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। आप उस पूरे ज्वाइनिंग प्रोसेस तक, ठीक है, जब तक आपका इंडक्शन नहीं हो जाता, उस बीच अगर आप लोग कभी भी उस परमानेंट टैटू के साथ अदर बॉडी पार्ट्स के साथ मिलते हैं, तो आप लोग उस बीच कभी भी रिजेक्ट हो सकते हो। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ठीक है मेरा स्टेज वन निकल गया, मैं परमानेंट टैटू बनवा लेता हूँ अपने चेस्ट पे या फिर अपने शोल्डर पे, तो ऐसा नहीं है बच्चों लोग, ठीक है। ये पूरे जब तक आप लोगों का इंडक्शन नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों का ये सिलेक्शन और ये आप लोगों की चेकिंग ऑन दी परमानेंट टैटूज चलता ही रहेगा, तो ठीक है। तो पहला पॉइंट मेरा यही है बच्चा, पहला मेरा पॉइंट यही है, दी कमांडेड सिलेक्शन सेंटर प्रायर टू दी कमेंसमेंट ऑफ स्टेज वन, ठीक है, जो स्टेज वन में आप लोगों का रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर स्टेज वन में रिजेक्ट नहीं होगा तो वो कहां हो सकता है, देखो सेकंड पॉइंट में देखो लिखा हुआ है, एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी स्टेज में
वो परमानेंट टैटू बाय द कमांडेड और बाय द सिलेक्शन सेंटर वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो पॉइंट सी, पॉइंट सी क्या है मेरा, ठीक है, अगर द कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर एज सून एज द नॉन परमिसिबल टैटू इज नोटिस ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे भी अगर आप लोगों का कोई ऐसे नॉन परमिसिबल टैटू दिखता है तो उस केस में भी आप लोगों का मेडिकल फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर इस केस में भी अगर आप लोग नहीं पकड़े जाते हो तो लास्ट पॉइंट देखो ध्यान से, द कमांडेंट प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी जिसको बोलते हैं PCTA, इफ नॉन परमिसिबल टैटू इज नोटिस पोस्ट एनरोलमेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज, जब आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू भी हो गई है और उस बीच अगर आप लोगों के ऊपर अगर कोई परमानेंट टैटू दिखा अदर देन फ्रॉम द इनर फेस ऑफ योर फोरआर्म और द अपोजिट साइड ऑफ योर पाम, तो उस केस में भी आप लोगों का रिजेक्शन हो सकता है। तो काफी लोग ऐसा ना सोचे कि भाई चलो ठीक है, अगर स्टेज वन में क्लियर, अगर स्टेज वन में नहीं पकड़े गए तो ठीक है हम बाद में परमानेंट टैटू करवा लेंगे चेस्ट में। वो करवा रखा है ना WWE में रॉक ने चेस्ट में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आई होप आप लोगों में से काफी लोग WWE देखते होंगे, तो उसमें रॉक ने पूरे चेस्ट में करवा रखा है, काफी लोगों ने शोल्डर में करवा, ब्रॉक लेसनर ने अपने यहाँ पे चेस्ट के बीच में एक नाइफ बनवा रखा है उसकी बैक पे हो रहा है। तो ये सारे टैटूज आप लोगों के एनडी एस्पिरेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो कई लोग काफी उनसे इंस्पायर होकर चेस्ट पे टैटू बनवा लेंगे, बैक बनवा लेंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इफ यू आर एन एनडी एस्पिरेंट प्लीज डू नॉट गो फॉर सच टैटूज, ठीक है, दिस विल क्रिएट अ हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू गाइज ड्यूरिंग योर SSB इंटरव्यू, ओके। तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, चलो ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट स्लाइड देखोगे, ठीक है, जो बच्चे SSB के लिए रिकमेंड होते हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, उनके परमानेंट टैटू की चेकिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आप लोग बोल सकता हूँ पॉइंट वन है देखो, इसमें सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स के बारे में, ठीक है, आप लोग SSB जब रिकमेंड हो जाओगे तो आप लोग क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स ऑन अराइवल एट SSB विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सेल्फ सर्टिफिकेट Certified Certificate of Undertaking Declaring Details of All Permanent Body Tattoo Prior to the Commencement of Stage 1 Testing, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे आप लोग SSB arrive करोगे तो आप लोगों को people who belong to the SCST उनको Appendix A और Appendix B form submit करना पड़ेगा, और C वाला जो है वो आप लोगों को वहाँ का medical officer देगा after checking your permanent tattoo, and people who do not belong to the SCST उनको Appendix D form submit करना पड़ेगा, ठीक है, provided even if they have tattoo it should be either on the inner face of the forearm or on the opposite side of the palm, theek hai. Iske alawa agar kisi body part ka permanent tattoo mila during any stage of your like the selection process or during your training period, you will be like permanently rejected from the SSB, theek hai. Aur ये जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं ये joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पे अपलोड हो रखे हैं, ठीक है। तो जो लोग SSB देने जा रहे हैं ये उन बच्चों को क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना है, फिल करना है, अपेंडिक्स ए जो मैंने बताया था सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट वो खुद फिल करना है, दूसरा फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन करवाना है, ये सारे फॉर्म्स फिल करके आपको फिर SSB के लिए रवानगी करनी है, ठीक है। मान लो भैया चलो कुछ बच्चे हैं, ठीक है, आलसी हैं, भैया सही सर हम नहीं जानते, वेबसाइट हमसे नहीं हो पाया, हम नहीं डाउनलोड हो पाए, तो कोई बात नहीं बेटा, आप लोग जब सेंटर पहुंचोगे तो वहां के जो ऑफिशियल्स होंगे वो आप लोगों को वहां पे फॉर्म्स डाउनलोड करके दे देंगे, आप लोगों से वही फिल करने को बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग उन चीजों को ध्यान में रखिए, पर मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को ये एक मैं बता दूं कि आप लोग पहले से अगर फॉर्म्स फिलअप करके ले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट पीपल हु बिलोंग टू द SCST अगर वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ही ले जाना भूल गए तो उनके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैं बोलूंगा पहले से फॉर्म और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाएं, ठीक है। और ये जो आप लोगों को जो परमानेंट टैटू का जो ये सर्टिफिकेट जो मिलेगा जो आपके वहां पे ऑफिसर्स देंगे ये आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होगा बेटा जी, यस। तो इस चीज को काफी हल्के में मत लें, अगर आप लोगों की कोई बॉडी पे कोई परमानेंट टैटू है तो मैं ये सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से बता रहा हूं, सुनिएगा और इस चीज को एनालाइज करिएगा, ठीक है। पॉइंट पॉइंट नंबर फोर देखो बच्चा जी, पॉइंट नंबर फोर, अ कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिल सेपरेट सर्टिफिकेट्स फॉर ईच ऑफ द परमानेंट टैटूज स्पॉटेड बाय हिम और हर, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था अलग अलग सर्टिफिकेट्स होंगे, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, सी आप लोगों को वहां का मेडिकल ऑफिसर देगा, डी उन लोगों के लिए जो पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू द SCST, ठीक है।
अब उसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट फाइव, पॉइंट फाइव क्या बोलता है बच्चा जी, पॉइंट फाइव मेरा बोलता है पॉइंट फाइव की सच सर्टिफिकेट्स विल बी काउंटर साइंड बाय द कमांडेड सिलेक्शन सेंटर्स क्लियरली स्टेटिंग वेदर द परमानेंट बॉडी टैटू इज एक्सेप्टेड और नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो आप लोग सर्टिफिकेट सबमिट करोगे तो वहां का जो कमांडेंट होगा या सिलेक्शन सेंटर का, वो इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा प्लस आपके परमानेंट टैटू के साथ उसको वेरीफाई करेगा, जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट में उसका साइज शेप मेंशन कर रखा होगा, और उसके बाद वो आपको एक अप्रूवल सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, आप लोगों को एक अप्रूवल सर्टिफिकेट देगा जिसमें आप लोगों को लिखा होगा कि वेदर यू हैव बीन अप्रूव्ड और नॉट। ठीक है, आप लोग उसकी तरफ से जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें आप पास होते हो या नहीं। ठीक है, तो और ये जो डॉक्यूमेंट होगा आप लोगों का जो परमानेंट टैटू होगा, ये बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होगा, जो कि आगे जाके फॉरवर्ड होता है आपके एमएच में। ठीक है, मिलिट्री हॉस्पिटल में। ठीक है, मिलिट्री हॉस्पिटल में जो बाद में जो आप लोगों को मेडिकल होगा ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, जब वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे तो वो इस चीज को भी देखेंगे कि आप लोगों के बॉडी में अगर परमानेंट टैटू है तो क्या वो अप्रूव्ड हुआ है उस सिलेक्शन सेंटर के कमांडेड से। अगर नहीं हुआ तो फिर से वो क्या करेंगे, उसको वापस से दोबारा से उस सिलेक्शन सेंटर पे भेजेंगे और बोलेंगे उन कमांडेड से अप्रूवल फॉर्म लेके आओ इफ यू हैव एनी परमानेंट टैटू ऑन योर बॉडी। उसी के बाद आपका एमएच में आगे मेडिकल प्रोसीजर कंटिन्यू होगा। तो ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो, वेरी गुड। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चा जी, मैंने यही चीज बताई थी आप लोगों को। ठीक है, तो जब आप लोगों को कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर से आप लोगों को अप्रूवल सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा कहां पे, मिलिट्री हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं कमांड हॉस्पिटल या फिर मेडिकल डायरेक्टोरेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर वन मेरा क्या बोलता है, बोलता है कैंडिडेट्स विद परमानेंट बॉडी टैटू विच हैव ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर विल बी चेक्ड फ्रॉम द मेडिकल angle during his or her medicals and accordingly endorsed in his or medical document। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जब आप लोग selection center के बाद जब MH के लिए recommend होते हैं तो वहाँ पे जब आप लोगों को medical होगा तो आप लोगों को जो approval certificate मिलेगा by the commandant of the selection center, तो वहाँ पे आप लोगों का military hospital में फिर से verify किया जाएगा कि whether जो आप लोगों को document मिला था it has been like rightly approved or not। ठीक है, और उसके बाद आप दूसरा पॉइंट देखो, अगर उनको पता चलता है इन केस ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट इज फाउंड टू बी हैविंग अ परमानेंट बॉडी टैटू व्हिच वाज नॉट अर्लियर डिक्लेयर्ड बाय हिम और हर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ स्टेज वन। ठीक है, तो क्या करेंगे उस केस में, द टैटू विल बी चेक्ड बाय द मेडिकल अथॉरिटी फ्रॉम द मेडिकल एंगल एंड अकॉर्डिंगली एंडोर्स इन द कैंडिडेट डॉसिये या फिर मेडिकल डॉक्यूमेंट। इस केस में उसने क्या समझाने को बोला है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, ठीक है, उसका स्टेज वन में परमानेंट टैटू डिटेक्ट नहीं हो पाया लाइक ड्यू टू एनी रीजंस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में वो मिलिट्री हॉस्पिटल में वो ऑफिशियल्स क्या करेंगे, उसको फिर से वापस उस सिलेक्शन सेंटर पे भेजेंगे और बोलेंगे बेटा एक बार फिर से जाओ और वहां जो कमांडेंट होंगे उनसे अप्रूवल सर्टिफिकेट लेके आओ, उसी के बाद हम लोग आप लोगों के मेडिकल्स में आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो, वेरी गुड, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने क्लियर कर ही दिया। ठीक है, जिन बच्चों का परमानेंट टैटू बाद के मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके डिटेक्ट होता है उनको वापस से दोबारा से सिलेक्शन सेंटर भेजते हैं। ठीक है, और उनका फिर से दोबारा से अप्रूवल सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, और जो कमांडेंट ने जो आप लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है, जो कमांडेंट ने जो आप लोगों को अप्रूवल सर्टिफिकेट दे दिया बच्चा, वो मान लो एक पत्थर की लकीर है, वो एक पत्थर की लकीर है, उसके बाद आप लोग फिर बहस ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को काफी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो कमांडेंट है वहां का सर्विस सेंटर का, उनका जो अप्रूवल सर्टिफिकेट मिलेगा वो क्या है आप लोगों के लिए, एक पत्थर की लकीर जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर उन्होंने बोल दिया that this person has been improved, approved, तो उसके लिए कोई problem नहीं होगी, और वो या this person has been rejected, तो उस पे कोई सवाल जवाब नहीं उठा सकते हो आप। ठीक है, चलो अब देखो, काफी लोग ऐसे होंगे कि बोल रहे होंगे कि भाई चलो ठीक है, मेरा यहाँ पे मेडिकल्स में या स्टेज वन में या इस चीज में मैंने टैटू नहीं करवाया, लेकिन जब प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी जब उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू होती है, ठीक है,
उन्होंने मेडिकल्स में तो चलो टैटू नहीं करवा रखा, ठीक है, मेडिकल्स में टैटू नहीं है उन्होंने, चलो लेकिन मेडिकल्स के तुरंत बाद उन्होंने टैटू करवा लिया और ट्रेनिंग के टाइम पे पता चला कि उस कैंडिडेट का कोई परमानेंट टैटू है, तो उस केस में भी आप लोग रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई मेडिकल्स करवा लिया उसके बाद हम लोग परमानेंट टैटू करवा सकते हैं, नहीं बेटा जी, अगर इंडक्शन के टाइम पे ट्रेनिंग के टाइम में भी अगर अगर आप लोग पकड़े गए दैट यू आर हैविंग अ परमानेंट बॉडी टैटू ऑन एनी अदर बॉडी पार्ट्स, तो आप लोग उस केस में भी रिजेक्ट हो जाओगे, डेविएशंस हो जाओगे, ठीक है। और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ARTRAC का मतलब होता है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मेडिकल्स करवा लिए तो फिर मैं अपने रॉक की तरह या ब्रॉक की तरह चेस्ट या बैक में टैटू बनवा लूंगा और भाई मैं तो आर्मी में जाऊंगा बहुत अच्छे से ब्रॉक क्लेजने की तरह F5 लगाऊंगा और रॉक की तरह मैं रॉक बॉटम लगाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं बेटा जी। आप लोगों को इंडक्शन के टाइम पे ट्रेनिंग के टाइम पे भी अगर आप लोगों के लिए पकड़े गए तो आप लोगों के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। और इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब बात करते हैं फॉर्म्स की, अभी तक मैं सारे फॉर्म्स के बारे में बात कर रहा था, तो ये होता है देखो बेटा मेरा अपेंडिक्स ए फॉर्म, ठीक है, ये किनको सबमिट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है टू दी पीपल हु बिलोंग टू दी SC ST, ठीक है। और ये अपेंडिक्स ए का मैंने बताया था, ये होता है सेल्फ सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट को अपना नाम लिखना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा अतुल सरन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्म फिल करके भी बता देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा सन, डॉटर को कैंसिल कर दूंगा, सन ऑफ, और यहाँ पे मैं अपने फादर का नाम लिखूंगा जो कि मेरे हैं महेश चंद्र, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा जो कि है मेरी 05/08/1995, ठीक है, और दैट आई बिलोंग टू दी, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं कास्ट की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया SC कास्ट, और यहाँ पे मैं बताऊंगा फ्रॉम एरिया, एरिया कुछ भी बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया कोटा एरिया ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं फॉर्म फिल करके बता रहा हूँ, ठीक है, ये मत सोचना ये सारी डिटेल्स मेरी रियल है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के डिटेल्स भर के उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपने टैटू की फोटोग्राफ लगाओगे, जो भी आप लोगों का टैटू है उसकी फोटोग्राफ लगाओगे, ठीक है। याद रहे कि यहाँ पे जो टैटू की फोटोग्राफ लगाओगे उसको पेस्ट करना है, ठीक है, किसी स्टेबल पिन से या क्लिप से उसको मतलब जोड़ मत देना, ठीक है। यहाँ पे आप गम या ग्लू का यूज करके उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाले कॉलम में देखो आपको यहाँ पे टैटू का साइज बताना है इन सेंटीमीटर, और यहाँ पे लैंग्वेज बतानी है, ठीक है। अगर मान लो जो किसी भाषा में या फिर वो टैटू बता रखा है तो फिर वो बताना है, ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में, और उस टैटू का सिग्निफिकेंस, अगर उस टैटू का कोई मोटिव या फिर कुछ मोटो निकल रहा है तो भी आप लोग बता सकते हो, अन्यथा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें मैंने आप लोग को फिल करके बता दी। उसके बाद है बेटा अपेंडिक्स बी फॉर्म, ठीक है, ये भी SC ST वालों के लिए है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला फॉर्म जो होता है वो SDM या फिर किससे सबमिट करना पड़ता है, उस ट्राइबल कम्युनिटी के चेयरमैन या हेड से, तो यहाँ पे भी आप लोग भर सकते हो, दिस इज टू सर्टिफाई दैट अतुल सरन, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना कैंडिडेट का नाम भर दिया, हुज डेट ऑफ बर्थ इज, यहाँ भर दो मेरी डेट ऑफ बर्थ 05/08/1995, ठीक है, इज दिस सन ऑफ डॉटर ऑफ, तो यहाँ पे मैं सन ऑफ लिखूंगा, माय फादर्स नेम रिस्पेक्टेड महेश चंद्र, ठीक है, और आप बिलोंग टू दी नेम ऑफ ट्राइब, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा SC ST, ठीक है, जो भी मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया फॉर एग्जाम्पल कोटा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने राजस्थान, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को फॉर्म फिल करना भी दिखा रहा हूँ बच्चे लोग, और उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ेगा अगर मेरे बॉडी में टैटू है, ठीक है, और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ट्रेडिशंस ऑफ किस कास्ट के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग है वो टैटू, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर कुछ भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में। और उसके बाद नीचे मुझे क्या भरना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टैटूज कितने हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, ठीक है, फिगर्स में लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4, और वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा दैट इज 4, ठीक है। अगर 3 है तो आप लोग लिखोगे 3, ठीक है, 5 है तो आप लोग लिखोगे 5, ठीक है, तो आप लोगों को बोथ फिगर्स और वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है, चलो। और उसके बाद वही यहाँ पे आप लोगों को टैटू की फोटोग्राफ, ठीक है, जो कि आपको ग्लू या फिर गम से चिपकानी है, ठीक है। उसके बाद टैटू का साइज, लैंग्वेज और सिग्निफिकेंस ऑफ टैटू, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को प्लेस लिख दिया है, मैं प्लेस लिख दूंगा कोटा, और डेट आज की लिख दूंगा, और यहाँ पे एक राउंड स्टैम्प लगानी है, ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे आपके जो डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट होंगे या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, और वो यहाँ पे साइन कर देंगे,
इसी के साथ आप लोगों का फॉर्म कंप्लीट हो गया और जो अपेंडिक्स सी मिलेगा, ठीक है, अपेंडिक्स सी मिलेगा टू द पर्सन हु बिलोंग टू द एससी एसटी, वो आप लोगों को मेडिकल सेंटर पे मिलेगा, वो जो वहां का ऑफिसर अप्रूव करने के बाद आप लोगों का परमानेंट टैटू जो सर्टिफिकेट देगा उसको बोलते हैं अपेंडिक्स सी, ठीक है। उसके बाद जो अपेंडिक्स डी होता है, अपेंडिक्स डी होता है उन लोगों के लिए हु डू नॉट बिलोंग टू द एससी एसटी, एससी एसटी को छोड़ के जितने भी लोग हैं उनके लिए जो फॉर्म होता है बेटा जी वो ये वाला फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें आपको नाम भरना पड़ेगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सिमिलर वही चीजें आपको यहाँ पे फोटोग्राफ लगानी पड़ेगी टैटू की, ठीक है, जिसको स्टैम्प ग्लू से आप लोगों को पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे टैटू का साइज, लैंग्वेज और सिग्निफिकेंस ऑफ टैटू जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लेस के बारे में लिखना है, प्लेस फॉर एग्जाम्पल कोटा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डेट भर दोगे और यहाँ पे आप लोग अपने साइन कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे साइन कर दो, ठीक है, अतुल सरन, ठीक है। मैंने हिंदी में साइन करें आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि इंग्लिश के साइन आप लोगों को दिखा नहीं सकता मैं यहाँ पे, काफी अजीब साइन है मेरे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों को साइन करने हैं, अपना नेम, एंट्री और एसएसबी बैच नंबर जो कि उस टाइम आप लोगों को दिया जाएगा, एसएसबी बैच नंबर भी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, एसएसबी बैच नंबर, ठीक है। और उसके बाद जो अपेंडिक्स ई मिलेगा ये उनको मिलेगा हु डू नॉट बिलोंग टू द एससी एसटी, ठीक है, टू ऑल द एडिटेंट्स, ये वही मिलेगा जो सर्विस सिलेक्शन सेंटर पे आप लोगों के जो ऑफिसर्स होंगे वो एक बार अप्रूव करने के बाद जो आप लोगों को सर्टिफिकेट देंगे उसको बोलते हैं हम लोग अपेंडिक्स ई। तो इसी के साथ इस वंडरफुल सेशन को मैं आज डी एंड करता हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, काफी नई चीजें सीखने को मिली होंगी कि अगर हमारी बॉडी में टैटू भी है तो क्या हम लोग एसएसबी के लिए रिकमेंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, अगर हो सकते हैं तो उसके क्राइटेरिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। और मेरे चैनल पे सीक्वेंस एंड सीरीज के 8 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उन वीडियोस को देखने के लिए सो प्लीज गो एंड वॉच देम। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को थम्स अप दें और प्लीज चैट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा सेशन आज का कैसे लगा। तो इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं, सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड, बाय बाय।